नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसे आप अपने घर से शुरू करके आसानी से काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। छोटा सा जो बिजनेस है, जितना इन्वेस्टमेंट है वैसे ही आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये बिज़नेस क्या है, कैसे शुरू करना है और क्या इसका का इन्वेस्टमेंट है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपना खुद का नोटबुक्स का ब्रांड बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे नोटबुक्स बनाकर उसे सेल करने को। दोस्तों, यह एक बड़ा बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अधिकतर अच्छा मुनाफा देता है। नोटबुक्स की सबसे ज्यादा खरीद स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा होती है। इससे अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के सभी ऑफिस में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा सभी दुकानों पर और सभी बिजनेस में अपना हिसाब और बाकी जानकारी रखने के लिए भी नोटबुक का यूज होता है। नोटबुक की मार्केट बहुत बड़ी है और अगर ऐसे में आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं तो आप इससे बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बिजनेस की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे आपको नोटबुक बनाना शुरू करना है, क्या मशीन चाहिए होगी, कैसी और कितनी जगह चाहिए होगी, कितना खर्चा आएगा इस काम में और कितना मुनाफा आप इस काम में ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना होता है इस बिजनेस में। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको सबसे पहले एक जगह का प्रबंध करना होता है जहां से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको नोटबुक बनाने के लिए मशीन खरीदनी होती है और कच्चा माल खरीदना होता है। इसके बाद आप 2 या 3 कारीगर लगाकर काम को शुरू कर सकते हैं। माल तैयार करने के बाद आप उसे होलसेल और रिटेल मार्केट में बेचते हो और मुनाफा कमाते हो। अब आपको बताते हैं कि इस काम में आपको कैसी और कितनी जगह चाहिए होगी। दोस्तों, आपको इस काम के लिए कम से कम 40 गज जगह की जरूरत होगी जहां से आप माल को तैयार कर सकते हो, और जगह किसी भी स्थान पर हो सकती है। इस काम में अच्छी लोकेशन की आपको जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप माल सिर्फ तैयार कर रहे हो, उसे आपको बेचना नहीं है उस स्थान से, तो स्थान कोई भी हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि मशीन कितनी लगेंगी और मशीन कितने रुपए में आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मॉडल 3 के बारे में, जिसमें हमारा पहला मशीन आता है नोटबुक स्टिचिंग मशीन मोटराइज्ड, दूसरा आता है नोटबुक एज स्क्वेयरिंग मशीन और तीसरा आता है पेपर कटिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक। तो इन तीनों मशीनों से आप स्टार्टिंग करके सभी टाइप का नोटबुक बना सकते हो। तो आप देख सकते हो वीडियो में कि कैसे आपका नोटबुक स्टिचिंग हो रहा है। आपने पेपर और टाइटल को इकट्ठा करके रख देना है और इसने ऑटोमेटिकली पिन लगाते जाना है। दूसरे नंबर पे आपका आता है नोटबुक एज स्क्वेयरिंग मशीन। पिन लगे हुए नोटबुक को आपने एज स्क्वेयरिंग मशीन में लेके जाना है, उसमें रखोगे और बटन प्रेस करोगे, इसने ऑटोमेटिकली बैक स्क्वेयर कर देना है। स्क्वेयरिंग करने के बाद आप देख रहे हो जैसे 2-2 कॉपी का सेट है, उसको सिंगल सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए पेपर कटिंग मशीन का काम होता है। तो पेपर कटिंग मशीन में आपने नोटबुक रखनी है, ये सारी सेमी ऑटोमेटिक बटन से ऑपरेट है, इसमें कोई मैनुअल ऑपरेशन नहीं है। आपने बटन दबाना और इसने ऑटोमेटिकली सारा कटिंग करते जाना है। तो ये 3 मशीनें हैं सेमी ऑटोमेटिक मॉडल में, जो हमारे यहाँ मॉडल 3 में मिलेगा आपको।
तो ये थी तीन मशीनें नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सबसे पहले नोटबुक स्टिचिंग मशीन, फिर आपने देखा एज स्क्वायरिंग मशीन, और ये देखा आपने सेमी ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन। इन तीनों मशीनों की आपकी कॉस्टिंग तकरीबन 5.5 से लेकर 6 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी। और इसके साथ अगर आपने पैकिंग मशीन लेना हो जिसमें आपका श्रिंक पैकिंग होगा, तो वो भी आप ले सकते हो। उसको लेने से ये आपका फ़ायदा होगा, जैसे नोटबुक आप देख रहे हो रेडी हुई है, इनको आप पैक करके रख सकते हो, जिससे आपका स्टॉक में रखना काफ़ी आसान है और नोटबुक को कभी कोई मॉइस्चर नहीं आता। तो आप वो भी लेना चाहो तो वो भी साथ में ले सकते हो, तो आपका 6.5 लाख के अंदर सारा मशीनरी का सेटअप आ जाता है। अब आपको बताते हैं कि कच्चा माल क्या लगेगा, कहां से मिलेगा और कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों, कच्चे माल में आपको पेपर और नोटबुक का कवर खरीदना होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, नोटबुक का पेपर लाइनिंग वाला पूरी तरह से तैयार मिल जाता है और नोटबुक कवर भी आपको तैयार मिल जाते हैं। आप अगर चाहें तो नोटबुक कवर पर ऑर्डर पर अपनी नोटबुक का नाम लिखवा सकते हैं, जिससे आप अपने नाम की नोटबुक मार्केट में सेल कर सकते हैं। इससे आगे चलकर आपका अपना नोटबुक ब्रांड भी बन सकता है। दोस्तों, ये कच्चा माल आपको किसी भी बड़े शहर की होलसेल मार्केट में मिल जाएगा, और दोस्तों ये कच्चा माल 50 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो तक आपको मिल जाएगा। जगह, मशीन और कच्चे माल की व्यवस्था करने के बाद आपको मैन पावर चाहिए होगी, जिसके लिए आप 2 कारीगर रख सकते हैं माल तैयार करने के लिए। अब इस काम को शुरू करने में कुल कितने पैसे लगेंगे, आपको इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉफिट की। इस काम में 100 पेज की एक नोटबुक तैयार करने में आपका जो खर्च आएगा वो 9 रुपये से 10 रुपये होगा, और आप इसको अगर होलसेल मार्केट में बेचेंगे तो आपको एक नोटबुक पर 4 रुपये से 5 रुपये मिल जाएंगे। अगर रिटेल मार्केट में आप अपना माल ले जाकर बेचते हैं तो एक ही नोटबुक पर आपको 7 रुपये से 8 रुपये मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस काम में मुनाफा भी अच्छा है। एक बार आप अगर इस काम को शुरू कर लेते हैं तो आपको बस होलसेल और रिटेल मार्केट में अपने संबंध अच्छे करने होंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा माल बेच सकें। इतना ही था आज की वीडियो में। इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। बाय दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।